नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में पहले चरण का वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। पहले चरण में कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां 3 बजे तक ही मतदान होना था, तो उन सभी जो ऐसे 4 विधानसभा क्षेत्र थे जो अति नक्सल प्रभावित इलाके थे, उन इलाकों में 3 बजे तक चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, वोटिंग की कार्रवाई समाप्त हो गई है। वे जो विधानसभा हैं वे कुटुम्बा हैं, नवीनगर हैं और रफीगंज है और फिर चैनपुर है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र में शाम 3 बजे तक ही मतदान होना था, तो इन 4 विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त हो गया और अब जो है अब रिजल्ट की प्रतीक्षा 10 नवंबर तक की जाएगी। तो हम आपको बता रहे थे कुटुम्बा का, हमने बताया कि वहाँ पर किसकी जीत हो रही है, नवीनगर के बारे में बताया, चैनपुर के बारे में बताया, अब हम आपको रफीगंज के बारे में बताते हैं। रफीगंज में कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उसमें जो मुख्य मुकाबला है उसमें एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से अशोक कुमार सिंह जो सिटिंग विधायक हैं जेडीयू के, मोहम्मद निहालुद्दीन, राजद ने इस बार मोहम्मद निहालुद्दीन को वहां से उम्मीदवार बनाया है। लोजपा की तरफ से मनोज सिंह मैदान में हैं, वहीं बसपा की तरफ से रंजीत कुमार और पिंटू हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर लड़ाई थी, आज वोटिंग की प्रक्रिया वोटिंग समाप्त हो गया है। तो अब जो है अब लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर किसकी बढ़त दिख रही है। आज चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगा, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इस महापर्व में अपना जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार, उस अधिकार को मतदाता मालिकों ने प्रयोग कर लिया है। तो अब जो है जीत का सेहरा किस पर सिर पर बंधेगा, अब इसको लेकर के कयासों का दौर जारी है। तो हम भी जो जानकारी, हम क्षेत्र से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जो कुछ सामाजिक समीकरण जो दिख रहा है उसके अनुसार हम भी अनुमान के आधार पर यह बता सकते, क्योंकि हम भी स्पष्ट तौर पर आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता है तब तक स्पष्ट तौर पर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। लेकिन जो अनुमान है उस अनुमान के आधार पर यह बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस बार लोजपा के मनोज सिंह मैदान में है। तो जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से लोजपा वोट काट रही है उस हिसाब से यहाँ भी कहीं ना कहीं जेडीयू कैंडिडेट को उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जानकारी है कि लोजपा के मनोज सिंह ने काफ़ी मेहनत की लेकिन उस हिसाब से वे वोट को काट नहीं पाए। हालांकि अपने मिशन में वे जरूर कामयाब हुए और अपने समाज और जो चिराग पासवान का जो वर्ग है यानी कि पासवान जाति के वोटरों को अपने पाले में लाने की जरूर कोशिश की, काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। हालांकि उनका अपने समाज का बहुत ज़्यादा वोट उनके पाले में नहीं गया है लेकिन पासवान जाति का वोट कहीं ना कहीं लोजपा कैंडिडेट के पक्ष में गया है। तो यह नुकसान जेडीयू के लिए है। राजद की बात करें तो मोहम्मद निहालुद्दीन है, उनका जो वोट समीकरण था उस हिसाब से वे मजबूत तो दिखे थे, लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी का भी समर्थन था, तो इस बार एक बार फिर से अशोक कुमार सिंह कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखते हैं। लेकिन इनकी मजबूती तभी दिखेगी जब लोजपा अगर अधिक वोट काट लेगा, तो वैसी स्थिति में इनका जीतना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी है उसमें बड़ा क्लोज फाइट है, यानी कि आरजेडी कैंडिडेट और जेडीयू कैंडिडेट के बीच काफ़ी कम मार्जिन की लड़ाई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, फिर भी जो जानकारी है उसके अनुसार जेडीयू कैंडिडेट की जीत हो सकती है। हालांकि कई चुनाव प्रचार के दौरान इनको कई जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा, लोगों में आक्रोश था, जो मतदाता थे उनको कैंडिडेट को लेकर के, जेडीयू कैंडिडेट अशोक सिंह को लेकर के कई जगह नाराज़गी भी थी, लेकिन अंत समय तक उन्होंने उन नाराज़गी को दूर करने की पूरी कोशिश की। अब उसमें वे कितना कामयाब हुए, आज जब वोटिंग समाप्त हो गया है अब देखना होगा, 10 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू कैंडिडेट की स्थिति थोड़ी बेहतर है और वे जीत सकते हैं। चूंकि इस तरीके का क्लोज फाइट है कि हम स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन पलड़ा जो अगर 19 और 20 की बात करें तो निश्चित तौर पर जेडीयू कैंडिडेट की स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर दिख रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।